हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोरल ड्रॉ की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हें हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, हमें आपको ये बता दूं कि कोरल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या होती हैं। किसी प्रोग्राम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो वो होती हैं, जब भी हम उस पर कुछ काम करने जाते हैं, तो जैसे ही हम किसी भी टूल को सेलेक्ट करते हैं तो वो उसके कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हम जब उसे ड्रॉ करते हैं तो वो अपने आप उन वैल्यूज़ को ले लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर को ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके इस वर्किंग एरिया पे, जो हमारे कोरल ड्रॉ का वर्किंग एरिया है, जो कि मैंने एक पेज लिया हुआ है, फ़िलहाल ब्लैंक पेज लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी आउटलाइन प्रॉपर्टीज़, एक किसने आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ लिया है जो कि आप देख पा रहे हैं 0.5 PT की है। यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं इसकी जो आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ है किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट के, वो यहाँ पे शो करता है वो कोरल ड्रॉ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसकी 0.5 PT की आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ है, और इसके अंदर आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ भी वही सेम वैल्यूज आपको यहाँ भी शो करता है, कितने PT की आपकी वो आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें क्या कलर फिल किया हुआ है और इसमें जो उसकी फिल वैल्यूज़ हैं वो क्या है। हम यहाँ देख पा रहे हैं इसकी फिल वैल्यूज़ नन है, और जो आउटलाइन कलर है वो सियान 0 है, मेजेंटा 0 है, येलो 0 है, और के मीन्स आपका ब्लैक वो 100 है, और 0.5 PT की इसकी विथ है। तो ये कोरल ड्रॉ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो कोरल ड्रॉ एक इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ये अब सिर्फ रेक्टेंगल के लिए ही नहीं है, अगर हम यहाँ पर सर्किल भी ड्रॉ करेंगे, सर्किल के लिए भी यही सेम वैल्यू से वो सर्किल पर अप्लाई करेगा। अगर हम कोई लाइन ड्रॉ ट्रेस कर रहे हैं तो वो लाइन के लिए भी सेम वैल्यू उसके लिए भी अप्लाई करेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे 0.5 PT का एक ये वैल्यू शो कर रहा है। और अगर हम इसके अलावा कोई पॉलीगन ले रहे हैं उसके लिए भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ है। और मतलब जो भी आप यहाँ पे जिस जिस हम जिन जिन चीज़ों को यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं उन सब की वैल्यूज बाय डिफ़ॉल्ट ये फिल नन, फिल मतलब जो इसके अंदर कलर भरा गया है उसको नन लेगा, और जो इसकी आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं वो 0.5 की लेगा। अब हमने अभी तक बात करी कि जो हम ऑब्जेक्ट्स शेप्स जो भी हम शेप्स बोलते हैं वो क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। लेकिन ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं, अगर हम यहाँ कोई टेक्स्ट भी टाइप करना चाह रहे हैं तो उन टेक्स्ट के लिए भी इसकी सेम वैल्यू ये वही यूज करता है। मैं कह दिस इज डमी टेक्स्ट। अब इसकी वैल्यू चेक करें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी वैल्यू, इसने इसको जो फिल कलर है उसने उसको C0 कर दिया है, सी मतलब चैन 0 कर दिया है, M0 कर दिया है, Y0 कर दिया है, और K को जो उसने 100% कर दिया है। यानी जो हमने टेक्स्ट लिया है इस टेक्स्ट की वैल्यू को उसने फिल कलर के रूप में ट्रीट किया है, और इसकी आउटलाइन इसमें नहीं दी है इसलिए इसकी आउटलाइन को नन कर दिया है। ये टेक्स्ट के डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। हम इसको जितना भी जूम कर लें, जितना भी मोटा कर लें, तो इसके जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम चाहे इसको यहाँ पे ये जो हमने टेक्स्ट टाइप किया इसे कहते हैं पैरा आर्टिस्टिक टेक्स्ट। यानी इसको हम अपने वे में किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ, इसको हम ऐसे भी लंबा कर सकते हैं, इसको जो इस तरीके से करना चाहें उसको हम छेड़खानी कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट कहलाता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, यानी इसको हम अपने हिसाब से कुछ भी कैसे भी तोड़ फोड़ सकते हैं। और दूसरा होता है, इसमें दो तरह के टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। दूसरा होता है पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी हम जिसको एक पैराग्राफ मानते हैं, हमने यहाँ पे लाइन इसको हम ड्रैग एंड ट्रेस ड्रॉ करते हैं, सेलेक्ट एंड ड्रॉ, जैसे कि हमने यहाँ पे मैं दोबारा बता कर दिखाता हूँ आपको करके कि मैंने टेक्स्ट को टूल को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे क्लिक किया। आपको क्लिक छोड़ना नहीं है, आपको क्लिक को सेलेक्ट दबाए रख करके अपने माउस कर्सर को ड्रैग करना होता है। तो ये आप इस तरह का बॉक्स देखेंगे, ये एक बॉक्स बन जाता है। अब जो इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, दिस इज अगेन अ डमी टेक्स्ट, ठीक है। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, हम इसको सेलेक्ट करते हैं मर्स अपने माउस के क्लिक करके कर्सर के द्वारा। आप इसकी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ चेक करेंगे तो इसकी भी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ जो शो करता है वो सियान 0, M0, Y0 और K100, के मीन्स ब्लैक 100।
तो टेक्स्ट के साथ, अब आपको एक इन समरी बता दूं कि टेक्स्ट के साथ जो भी प्रॉपर्टीज़, जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ कोरलड्रॉ के अंदर होती हैं, वो टेक्स्ट के साथ फिल कलर ब्लैक होता है, और जो आउटलाइन कलर होता है वो नन होता है, जबकि जो शेप्स यूज़ करते हैं शेप के साथ फिल कलर नन होता है, यानी कोई फिल कलर नहीं होता उसके अंदर, कोई कलर रंग भरा हुआ नहीं होता, लेकिन जो उसकी आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 0.5 की होती है बाई डिफ़ॉल्ट, और ब्लैक कलर में होती है, यानी दैट्स K100। अब हम मान लीजिए हम अब काम कर रहे हैं, हमें इस ब्लैक कलर हमें बार बार डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं चाहिए होता, तो हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे हम कई बार करते क्या हैं कि जैसे हम यहाँ पे छोटा टेक्स्ट हमारा है, आर्टिस्ट टेक्स्ट ही लेके चल रहा हूँ मैं फ़िलहाल, मुझे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी की है। डुप्लीकेट कॉपी आप ऑल्ट दबा करके, आप शिफ्ट दबा करके, शिफ्ट दबाएं, और इसके बाद जहाँ पे आप शिफ्ट छोड़ना चाहते हैं वहाँ पे आप माउस का राइट क्लिक करें और छोड़ दें, इससे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती है। लेकिन अभी चूँकि आप इतने प्रोफिशिएंट नहीं हो पाए हैं कोलड्रॉ के अंदर, आप अभी सीख रहे हैं, तो आप इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करें, इससे आप एक वहीं पे एक से दूसरे को भी पेस्ट हो जाएगी, आप उसको मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, मैंने इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, तो वहीं का वहीं इसको एक इसकी दो कॉपी बन जाती है, उसे वो पेस्ट कर देता है। तो मैंने इतने सारे ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इसकी 6 कॉपी कर ली मैंने इसकी, मूव करके कॉपी कर करके कॉपी करके। अब मुझे ये चीज़ मान ली कि मैं यहाँ पे बुलेट लगा रहा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बुलेट लगाया। अब मैं जब भी हर बार नया बुलेट ट्रेल का बनाना चाहूँगा, कॉपी करना चाहूँगा, तो आप देखें कि हर बार वही सेम वैल्यूज आएंगी। लेकिन मुझे क्या करना है कि आप मुझे इस बुलेट्स को चाहता हूँ कि जो फिल कलर है वो यहाँ पर रेड हो जाए, और जो आउटलाइन कलर है वो नन रहे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, हमें सिर्फ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक हमारा पूरा कलर पैलेट्स है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कलर पैलेट्स, आप ये देखिए पूरा जो ये हिस्सा है हमारा, ये पूरा ये कलर पैलेट्स हैं। आप इसमें से किसी भी कलर को हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे रेड कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट कैसे, मैं इस पर अपने माउस का लेफ्ट क्लिक यूज करूँगा कलर सेलेक्ट करने के लिए। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक यूज कर रहा हूँ माउस का, मैंने दबाया यहाँ आप लेफ्ट क्लिक से, तो आप ये विंडो आ जाती है। अगर आप इसको दबाए रखेंगे तो आप जैसे देख पा रहे हैं ये छोटी सी इसके बहुत सारे टोन्स खुल जाती हैं, जो इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं वो खुल जाएंगी, लेकिन मैं इसको दबाए नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ इसको एक बार दबाऊँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है यूनिफॉर्म फिल, यानी अब मैंने लेफ्ट क्लिक करूँगा माउस का तो उससे ये यूनिफॉर्म फिल शो करता है यहाँ पर। और यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है चेंजिंग फिल प्रॉपर्टीज़ वेन नथिंग इज़ सेलेक्टेड, यानी हम यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे अपने ड्राइंग बोर्ड पे, ड्राइंग बोर्ड पे जब हम कुछ भी अगर हमने यहाँ पे किसी को सेलेक्ट करके किया होगा और यहाँ क्लिक करेंगे तो उसका कलर बदल देगा, लेकिन हम इसकी कोरल ड्रॉ की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ चेंज करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे और तब क्लिक करेंगे तो ये मैसेज देगा इस तरीके से कि चेंजिंग फिल प्रॉपर्टीज़ वेन नथिंग इज़ सेलेक्टेड, यानी कि जो फिल की प्रॉपर्टीज़ यानी जो फिल कलर है, जो कलर भरा गया है, भरा भरा जाएगा, वह उसकी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज करना चाहते हैं, जबकि कुछ भी सिलेक्टेड नहीं किया हुआ है। तो और यहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं ग्राफिक, आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट। तो जो ग्राफिक है, जो भी हम शेप्स ड्रॉ करते हैं, शेप्स हैं, लाइन है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है या सर्कल है, ये सभी जो शेप्स हैं ये ग्राफिक कहलाती हैं, और जो टेक्स्ट मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ क्लिक करके टाइप कर देते हैं वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट कहलाता है, और जो हम पैराग्राफ को क्लिक एंड ड्रैग करके बॉक्स बना के उसके अंदर टाइप करते हैं वो कहलाता है पैराग्राफ टेक्स्ट। तो हम अब यहाँ से जिस जिस की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ उस ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई हो, जैसे ग्राफिक है हमने ग्राफिक को टिक कर दिया, तो जो भी हम कलर हमें रेड सेलेक्ट किया है तो जो फिल कलर अब आएगा वो रेड कलर आएगा इस शेप से भी शेप्स का। अब और हम मैंने आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर भी क्लिक कर दिया है, मैं पैराग्राफ टेक्स्ट पर क्लिक नहीं कर रहा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा मैंने सिर्फ ग्राफिक और आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर क्लिक किया है, और मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ओके कर दिया मैंने। अब देखिए कि मैं नई शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ देखिए आप मैंने ट्रैक किया, ये देखिए अब जो शेप बनी मेरी उसके अंदर फिल कलर रेड भर दिया है, और आउटलाइन कलर सेम एज की जो उसमें था वो ब्लैक में है,
मैंने सिर्फ अभी ध्यान से ध्यान देखिए, मैंने सिर्फ अभी कलर पैलेट्स पे राइट क्लिक किया था, लेफ्ट क्लिक करके मैंने प्रॉपर्टीज़ चेंज की है। तो जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप लाइन देखेंगे कि अभी भी ये आउटलाइन है और इसका फिल कलर शो कर रहा है ब्लैक, लेकिन और आउटलाइन कलर आप शो कर रहा है ब्लैक और फिल कलर शो कर रहा है रेड। अब आप करेंगे ये ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक लाइन है, जब तक कि कोई शेप कंप्लीट नहीं होगी। मान लीजिए मैंने अब इसको यहाँ वापस आके इस नोड से जोड़ दिया, अब ये शेप पूरी कंप्लीट है यानी इसके अंदर कोई गैप नहीं है, तो ये फिल कलर अप्लाई करेगा। अगर ये शेप सिर्फ एक लाइन है जिसके दोनों एंड्स खुले हुए हैं तो ये फिल कलर अप्लाई नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर इसको ये शो करेगा कि यहाँ पे इसके अंदर फिल प्रॉपर्टीज डली हुई है और वो है रेड कलर की। तो दोस्तों तो ये हो गया हमारे शेप के साथ हो गया। अब मैं टेक्स्ट टाइप करने जा रहा हूँ, आप देखिए दिस इज रेड कलर टेक्स्ट। आप देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर सेट किया और अब मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये रेड कलर के होके आ रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा दोस्तों मैं इसको ब्लू पे राइट लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए मैं दोबारा ब्लू पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और अब फिर दोबारा वही सेम प्रॉपर्टीज आ गई हैं। और मैंने इस बार दोबारा से फिर आर्ट इस पर ग्राफिक पे क्लिक किया और आर्टिस्ट इस पर क्लिक नहीं किया है, और अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ और मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो आपने देखा कि जो टेक्स्ट है वो दोबारा रेड में आ रहा है, टेक्स्ट दोबारा रेड में आया क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंज नहीं किया। लेकिन जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, आप देखिए रेक्टेंगल का कलर जो होगा वो ब्लू होके आएगा। तो हम यहाँ पे किसी भी कलर के प्रॉपर्टीज़ जिस चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ बदलेंगी। अब मैंने सेलेक्ट किया है पिंक और मैंने सिर्फ पैराग्राफ टेक्स्ट को लिया है सेलेक्ट करके। अब देखिए मैं यहाँ पे नया टेक्स्ट का जो फ्रेम है, मैं ये यहाँ पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप सेलेक्ट किया है मैंने और इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ दिस इज अगेन अ डमी टेक्स्ट। आप देख पा रहे हैं कलर यहाँ पे, ये कलर आपको यहाँ पे पिंक शो कर रहा है। यानी अब हमारे पास तीनों जो प्रॉपर्टीज़ ग्राफिक्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। अब मैं यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया तो बॉक्स इसने ब्लू कलर का बनाया है और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ जो कि मेरा आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। मतलब आप दोस्तों ध्यान रखिए कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट वो है जो किसी भी फ्रेम के साथ बाउंडेशन में नहीं है, वो अपनी एक अलग एंटिटी है, अलग स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उसकी हैं। और जो पैराग्राफ टेक्स्ट होता है वो एक पैराग्राफ के साथ बंधा होता है, पैराग्राफ के अंदर लिंक होता है और वो अलग प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट के साथ। अब मैं आप देखें, मैंने यहाँ टाइप किया तो बिल्कुल रेड में आया है और मैंने इसको यहाँ टाइप किया तो ये पिंक में आया है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने चेंज की, ये फिल प्रॉपर्टीज़ चेंज की है। अब हम दोबारा जाते हैं वापस अपने कलर पैलेट्स के पास और इस पर हम जो भी कलर चाहिए, मान लीजिए ग्रीन कलर है, इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर अभी तो आप देख रहे थे यूनिफॉर्म फिल शो कर रहा था, अब देखिए यहाँ पर शो कर रहा है आउटलाइन कलर। यानी अब हम यहाँ पे अपने ग्राफिक्स के जो भी ग्राफिक्स शेप्स हैं उसका आउटलाइन कलर्स डिफाइन करने जा रहे हैं। दोस्तों हम जो यूज करते हैं टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के साथ हम आउटलाइन बहुत ही रेयर यूज करते हैं कि जब हमें पता है कि उसके साथ बोल्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही हैं टेक्स्ट के साथ में, तो ही हम उसके आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अनलेस हम सिर्फ ग्राफिक्स के साथ ही आउटलाइन यूज करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये हो गया हमारा ग्राफिक के साथ में। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक नया बॉक्स क्रिएट करूँगा, ड्रैग करूँगा। देखिए आप अब यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन है सिलेक्ट, जो हमने कलर ऑलरेडी पहले डिफाइन किया हुआ था यूनिफॉर्म कलर, वो वहाँ पर आ रहा है फिल कलर के लिए और ये हमारा आउटलाइन कलर के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसका ये शो कर रहा है ग्रीन कलर का। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ टेक्स्ट दिस इज डमी। अब देखिए लेकिन टेक्स्ट पे उसने कोई आउटलाइन नहीं लिया। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ ग्रीन कलर को, फिर से दोबारा कोई हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है। ये प्रॉपर्टीज तभी आएंगे जब हमारा कुछ भी स्क्रीन पे सेलेक्टेड नहीं रहेगा। अब मैं इस पे दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ लिख दिया आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोबारा टाइप करने पर ये आउटलाइन कलर भी यहाँ पे शो करेगा। देखिए अभी आप देखें शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं अभी टाइपिंग मोड में हूँ। ओके दोस्तों मैं टाइपिंग मोड में हूँ तो इसलिए अभी आपको कलर शो नहीं किया। जैसे ही मैं यहाँ पे पिक टूल को सेलेक्ट करूँगा आप यहाँ पे आउटलाइन देख पाएंगे, ये आउटलाइन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम जब भी हमें या तो आउटलाइन स्पेसिफिकली चाहिए वहाँ पर तो हम यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको अगर जैसे आप यहाँ पे ये टेक्स्ट सेलेक्टेड है
और मैं इस पर ग्रेड कलर क्लिक करूँगा तो ये हमें मोटा करने के काम भी आता है। कई बार टेक्स्ट हमारा बहुत पतला होता है, हम चाहते हैं कि वो मोटा दिखाई दे, जब उसमें टेक्स्ट में बोल्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं बोल्ड करने पर और मोटा हो जाएगा, बोल्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं होते, तो और ज़्यादा मोटा करने के लिए हम इसके आउटलाइन को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आउटलाइन प्रॉपर्टीज़, ये भी हम पैराग्राफ के टेक्स्ट के साथ में भी, ग्राफिक के साथ में भी, या फिर आर्टिस्टिक टेक्स्ट हो, तीनों के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि लेफ़्ट क्लिक जो है वो यूनिफॉर्म फिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो राइट क्लिक है वो यूनिफॉर्म आउटलाइन के लिए, जो आउटलाइन कलर है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। अब इसमें एक दोस्तों एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ जो हम कोल ड्रॉ की आती हैं, जो हमें चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, कि मैं जब भी मान लीजिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने देखा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आई वो 0.5 की आई है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं लाइन जब भी ड्रॉ करूँ ये 1 PT की लाइन हमेशा ट्रेस हो, या मैं बॉक्स बना रहा हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी 1 पॉइंट की हो। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये बॉक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम टूल बार सेलेक्ट किया है, हमें अंदर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, जो चीज़ें हमारी जो हमने ड्रॉ किया हुआ है या ड्रॉ नहीं किया हुआ है तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्टेड नहीं होगा। हम सिर्फ यहाँ पर जो हमें टूल से जिस टूल को यूज़ करना है हमें उस टूल पर क्लिक करेंगे, और आप क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पर ये देखते हो देख ही पा रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। अब यहाँ पर आकर के इसकी वैल्यू यहाँ पर हम 1 PT कर देंगे, दोबारा ये आपको मैसेज देगा आउटलाइन पेन। अभी तक तो हम आउटलाइन कलर पर जब क्लिक करे थे आउटलाइन कलर शो कर रहा था, अब यहाँ आउटलाइन पेन शो करेगा कि हम आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टी बदलने जा रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ भी ग्राफिक के लिए, आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए और पैराग्राफ के लिए, कि हम तीनों के लिए कितने पॉइंट का जो आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ है वो बदलना चाह रहे हैं। मैंने 1 कर दिया, मैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट और ग्राफिक के लिए बदलूँगा, आप यहाँ देखेंगे 2 के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ 1 देखेंगे, यहाँ 1 हो गया। अब मैं नया ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे कि अब जो वैल्यू होगी वो पहले वाले से डबल होगी। अब ये देखिए, ये देखिए, आप दोनों में अंतर साफ देख पा रहे होंगे। अब ये 1 PT की आउटलाइन है और ये 0.5 की थी, हम यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे सभी 1 PT के ड्रॉ होंगे। ये हमारा शेप के साथ हो गया जिसे हम ग्राफिक कहते हैं। अब हम यहाँ टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट के साथ भी यही सेम सिचुएशन होगी, दिस इज 1 PT टेक्स्ट। आप देखिए अब किया मैंने, यहाँ पे आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि 1 PT का यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। दोस्तों अब एक चीज़ अब यहाँ पे हम दिखा बताएं आपको कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर ग्रीन जो आउटलाइन है उसने जो कलर हमने भरा हुआ है उसे लगभग उसने ख़त्म कर दिया है। जैसे ही हम इसकी वैल्यू और बढ़ा सकते हैं, अब यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें जहाँ पे पेन टूल बना हुआ है टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को बदलने के लिए, आप यहाँ पे 2 PT भी कर सकते हैं। 2 PT करते ही आप देखेंगे कि पूरा रेड कलर है हमारा ख़त्म हो गया। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे 2 PT हमने किया है तो यहाँ पे हमारा होता है बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज, हम यहाँ पे बिहाइंड फिल देंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको जब मैं आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि आउटलाइन पेन की प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे बदलते हैं ताकि हमारा जो हमने वैल्यू वहाँ यूज की है वो आपको एक मोटा आइडिया मिल जाए कि हम ज़्यादा वैल्यू करेंगे तो क्या होता है और उसको कैसे कम कर सकते हैं। आप ये देखिए हाँ मैं ओके कर दिया। अब जो हमारा फिल कलर है, जो हमारा सब मेन सब्जेक्ट है उसकी जो मोटाई है वो सेम रहेगी, सिर्फ जो आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ है वो बदलती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन तो हमने कितनी वैल्यू यूज करी है। आप जैसे मैं यहाँ पे 4 PT कर दूँगा, अभी 2 PT यूज किया है, 4 PT यूज करूँगा तो जो फिल है वो सेम रहेगा, सिर्फ आउटलाइन बदल जाएगी हमारी। यही सिचुएशन यही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो हम इस जो शेप्स है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब जो नहीं कि हमने एक बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लिया तो हम दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमने ये वैल्यू है हमारी हम इसको चेंज करना चाहते हैं, किसी और कलर से हम इसको येलो करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करके इसको येलो कर देंगे। जब चीज़ कोई सिलेक्टेड होती है तो आप देख पा रहे होंगे कि वो वह डायलॉग बॉक्स नहीं आता है कि हम डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर उसका प्रॉपर्टीज़ बदल रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर हर बार राइट क्लिक कर रहा हूँ जो आउटलाइन बदल रही है, आप देख पा रहे हैं इसके मैं कितनी जगह आउटलाइन कर रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, कहीं गलती से ये भी हो जाता है फिल भी हो जाता है तो आउटलाइन में बदल रहा हूँ फिलहाल, आप ये देखिए। और हमें इसकी आउटलाइन मोटाई बदलने के लिए हमें यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं।
और अगर हम इसको बिहाइंड फील रखना चाहते हैं कि जो हमारा कलर भरा गया है वो पूरा पूरा दिखाई दे, सिर्फ जो आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ है वो बदलते रहे, तो हम इसके यहाँ डबल क्लिक करते हैं इस जगह पे आकर के और इसको बिहाइंड फील कर देते हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, यानी जो आधी वैल्यू से जो है हमारी फिल की वो बाहर चलती है, आधी अंदर चलती है आउटलाइन प्रॉपर्टीज़। तो ये हमने 8 दिया है, तो ये सिर्फ 4 पीटी की ये प्रॉपर्टीज़ रह गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज चेंज करने का तरीका, और डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ गूगल की क्या होती है और उनसे कैसे चेंज करते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।